यदि आप ट्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो इस ऐप का यूज़ करें, वेयर इज़ माई ट्रेन। इसमें आप देख रहे हो, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यदि आपको नई दिल्ली से पटना जंक्शन जाना हो तो ऐसे सेलेक्ट करें। आपको दिल्ली से पटना जाने वाली सारी ट्रेनें देखे दिखाई पड़ रही हैं। हमने मगध एक्सप्रेस को सेलेक्ट किया और ये देखिए, इसकी सभी पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है। कौन कौन से स्टेशन पे ये रुकेगी, कितने कितने मिनट रुकेगी, ये सारी जानकारी आप इससे देख सकते हो। ये किस नंबर प्लेटफार्म पे आएगी, हर स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है, जो हमको पता करनी होती है, कि हमारा जो कोच है वो कहाँ पर होगा। इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करें, आपको अपने कोच की जानकारी किस पोजीशन पे है और आप क्या सीट नंबर अगर पता है तो आपको सीट का भी जानकारी मिल जाएगा कि अपर है लोअर है, ट्रेन का इंजन पोजीशन क्या है और बाकी कोचेस की पोजीशन क्या है, ये आसानी से आप इस ऐप से देख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है। यदि आपका 20 नंबर सीट है तो ये इसकी पोजीशन देख सकते हैं कि आपकी कहाँ पे है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 20 नंबर सीट जो है लोअर बर्थ है। इस तरह आप अपने सीट नंबर देख करके पता कर सकते हो कि ये सीट की पोजीशन क्या है, लोअर है या साइड लोअर है या अपर है या साइड अपर है। मगध का नेक्स्ट स्टेशन जो है अलीगढ़ है, ये हम देख सकते हैं अलीगढ़ में कौन से प्लेटफार्म नंबर पर ये रुकेगी और इसका फीडबैक भी हम दे सकते हैं। आपको एक और ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं इस ऐप में, यदि आप डेस्टिनेशन स्टेशन यदि रात में आता है और आपको डर है कि आपका स्टेशन निकल जाए तो इसके लिए अलार्म आप सेट कर सकते हो। अलार्म जो है 10 मिनट पहले आपके स्टेशन पे आने के पहले ही बजेगा और आप स्टेशन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, जिस स्टेशन पे आपको उतरना हो उसी स्टेशन पे ये 10 मिनट पहले अलार्म बजा करके आपको सतर्क कर देगा। ये देखिए, ये सेट हो गया है, हमको पटना उतरना है और ये 10 मिनट पहले ही हमको जगा देगा। ये जो फीचर है हमको तो बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये फीचर कैसा लगा, जो अलार्म बजा करके आपको टाइम से अपने स्टेशन पे जगा देता है। इस ऐप में जो है बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हुई हैं, जो कि मैं और आगे बताना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हो ट्रेन का शेड्यूल है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो जो दो स्टेशन के बीच में जहाँ स्टॉपेज नहीं है ट्रेन का, वो भी दर्शाता है। एक और जो है इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस ऐप का बताना चाहता हूँ, आप किसी भी ट्रेन का फेयर जानने के लिए ऊपर क्लिक करें और फेयर को सेलेक्ट करें, आपको उस क्लास का फेयर पता चल जाएगा जो आप देख सकते हो और ऐसे अपनी यात्रा को सुनिश्चित कर सकते हो कि कितना फेयर लगेगा। हर क्लास का सेलेक्ट करके आप देख सकते हो, AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर। इस ऐप में बहुत से फीचर हैं, जो मेन फीचर है मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कमेंट में बताना है कि अगर कोई ऐसा चीज़ मिस हो गया है या आप जानना चाहते हैं जो इसमें नहीं बताया है, तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।